क्या मेरे दोस्तों कैसे हो आप सभी देखिए बर्गर बनाने वाले हैं लेकिन आपको पाव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पाव भी स्वतः आमी बनाना राहोत पाव भी हम खुद बनाएंगे और क्रिस्पी आलू की टिकिया बनाएंगे और जेनवन जो इंडियन टेस्ट मिलता है बर्गर में आलू टिक्की बर्गर में वो मिलेगा आपको सिंपल है पाव बनाना मतलब देसी पाव बनाना बहुत ईजी है यार वीडियो देखोगे तो पता चलेगा और नहीं देखोगे तो तेल बेचने जाओगे और क्या हाय थक गया एक कटोरी सूजी बारीक सूजी मोटी सूजी जो मिले सुझा लो ठीक है और इसमें डाल दो एक कटोरी बोले तो डेढ़ सौ ग्राम के लगभग होगी और तीन चम्मच आपको इसमें कोई भी चावल डाल देना है ठीक है चावल को पोछ लेना और मिक्स जार में इसका एक पाउडर बना लेना अब इतना पाउडर बनाने के चक्कर में मर देना कि गाल पे जो पाउडर लगाते हैं वैसा हो अब इसमें तनिक तनिक करके पानी डालता है मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालना और एक मतलब फ्लोरिंग सा बैटर थोड़ा सा थिक सा बैटर बना लेना क्योंकि हमें बाद में पानी डालना ही होगा क्योंकि सूजी अब सूजी पानी पी लेगा कपाक से ठीक है तो ऐसा बना लेना ढक के छोड़ देना पंद्रह मिनट के लिए पंद्रह मिनट के बाद जब ढक्कन हटाओगे ना आश्चर्य हो जाओगे और लबर चौथड़ हो जाओगे ये थिक हो जाएगा तब इसमें क्या करना और पानी इसमें आपको ऐड करना है क्योंकि ये सुस्ता गया है सुस्ताने के बाद इसको सुस्ती आ गई है पानी डालिएगा तो इसको थोड़ा सा और फरहरी आ जाएगा फरहरी आ गया है तो इसमें आप नमक डाल दीजिएगा नमक डालने के बाद पेट सफ़ा हर रुख दफ़ा ये इनो डाल देना एक पैकेट डालना वो कोको -को -को कोला फ्लेवर वाला मत डाल देना यार सब गुड़गोबर हो जाएगा ठीक है थोड़ा पानी डाल देना इनो एक्टिवेट हो जाए हाँ ठीक है अच्छी तरह इसे अब मिला लेना सभी चीज़ों को और ऐसा मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा ये बेटर होना चाहिए मेरे दोस्त ये देखिए देख लिया ये अच्छे से देख ले नहीं तो डोसा बना दोगे थोड़ा सा ऑयल चुल्लू भर ऑयल डालना है चुल्लू भर भी बहुत हो गया और जगह पे ये बैटर डाल देना है ऐसा नहीं कि डोसा बनाने लगे ये अपने आप अप अपनी शेप ले लेगा ठीक है इतना बड़ा पाव के साइज का और इसको फिर ढक देना दो से तीन मिनट पकाना मीडियम लो फ्लेम पे ढक्कन हटाना ऊपर की सतह ड्राई हो जानी चाहिए फिर इजीली इसको फ्लिप कर देना बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं होगी फ्लिप वगैरह करने में ऐसा नहीं कि टूट गया ये वो कुछ नहीं होगा फ्लिप करके आप ढकना मत दो मिनट और पकाना ताकि उस साइड की भी सतह पक जाए ये हमारा पाव बन तैयार है इसे आप ढक के रखना बंद पाव ठीक है ढक के रखना चार महीने बनाए हैं ऐसे हुँ? तीन बॉयल आलू हैं सिंपल है इसमें कोई फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं है इसमें नमक और कॉन्फ्रा डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट कॉन्फ्रा आपको तीन से चार चम्मच डालना है अब लोग बोलते हैं इसमें यार और चीजें डाल देता क्या जरूरत है भाई हम लोग सॉस जो यूज करेंगे उसमें मेन फ्लेवर रहता है बिना बात की पगलाई टी इसमें करके क्या फायदा है तुम लोग इसीलिए तुम लोग बोलते हो कि स्ट्रीट वाला फ्लेवर नहीं आता कैसे आएगा तुम लोग इसी में सब फ्लेवर घुसर देते हो हाय गुस्सा नहीं करना हाथ धो लेना गुस्सा मत करना और एक बड़ा सा पाव आपने देखा होगा ना ब्रेड कितना बड़ा बनाया उतना ही बड़ा आपको ये आलू की टिक्की प्रिपेयर करनी है ये देखिए थोड़ी बड़ी साइज की हम लोग जंबो बनाने वाले हैं तो ये ऐसे प्रिपेयर कर लीजिएगा दो टिक्कियाँ मैंने बड़ी बड़ी साइज की हत्थे चढ़ गई ऐसी बना ली है ऑयल आपको डाल देना है तवे पे आप चाहे तो पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपली एक एक करके हम ये दोनों टिक्कियाँ डाल देंगे तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फिर इसको फ्लिप कर देना याद रखिए फ्लिप करते समय थोड़ा आराम से करिएगा पीछे की सतह जो है वो अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए अच्छी तरह फ्लिप कर लीजिएगा फिर आपको अच्छा सा क्रिस्प करना है और फिर है ना पीछे से दो तीन मिनट हो जाए ना फिर ऐसे प्रेस कर देना है दोनों टिक्किया को अच्छी तरह प्रेस कर दीजिएगा ताकि एकदम बढ़िया क्रिस्प करारी बन जाए और एकदम गोल्डन होने तक आप देख सकते हैं ये देखिए हो चुका है अब कुछ नहीं करना इसको निकाल लेना ज़्यादा पकड़े नहीं निकले अब क्या चीज़ है फंडा है इसमें मैंने केचप डाल दिया है केचप डालने के बाद मैंने इसमें मेयोनी ऐड की है कोई सी भी मेयोनी शेवनी देवनी आपको जो फ्लेवर पसंद आता है ना इस पर ऐड कर दीजिएगा ठीक है सेज़वान चटनी डालनी है वो डाल देना मीठी चटनी लाल चटनी जो मर्जी डाल देना ऐसा कुछ नहीं है ये मेन आलू की टिका हाए ये तो मतलब पाव से ज़्यादा बाहर निकल रहा है कोई ना खुद को खाना है ठीक है ये हरी चटनी ये जरूर डालिएगा बहुत अच्छा फ्लेवर है अगर बच्चों के बना रहे हैं तो इसको थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा थोड़ा चीज़ वगैरह डाल दीजिएगा बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये देखिए घर की बनी हुई चीज़ है तो टेंशन ही नहीं है ठीक है इसके ऊपर हमारा एक बंद पाव और डाल देंगे और सच में ये बहुत आपने मतलब ऐसा निश्चय आपने कभी मतलब देखा नहीं होगा जरूर ट्राई करना यार बहुत अच्छी रेसिपी है इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए आप लोग रहना सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं यार कर दो यार थोड़ा सा कमा लूँ मैं दस बीस करोड़ रुपए है, है ना थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा ठीक है जरूर ट्राई करना यार बच्चों को बहुत पसंद आती है ऐसे भी ठीक है थैंक यू